प्यारे बच्चों, सुबह की सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 8वीं की बुक इट्स सो हैपेंड डे में पहले पाठ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से सुने। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। जिन ने ऊँट का विरोध किया। हु सेड, जिसने कहा। हम्प, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप। ऊँट की सुंदर पीठ अचानक बढ़ गई। विच वाज द कैमल हम्प, जो ऊँट का कुबड़ था, जिसको हम बुग्गी बोलते हैं ऊँट के ऊपर, वो कुबड़ है। द जिन अश्योर्ड द कैमल, जिन ने ऊँट को विश्वास दिलाया। हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प, उसका कुबड़ हमेशा मदद करेगा। नोट ए हिंड्रेंस, बल्कि बाधक नहीं होगा। यहाँ से पाठ शुरू होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। जिन धूल के लबादे में लिपटे हुए लुढ़कता आया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान की दूरी को तय किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पुल ऑफ द वाटर। उसने ऊँट को तालाब के पानी में अपनी परछाई देखते हुए पाया। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, शेड द जिन, जिन ने कहा। What is this? यह क्या है? I hear of you are doing no work. मैं तुम्हारे काम न करने के बारे में सुन रहा हूँ। The jinn sat down. जिन नीचे बैठ गया। With his chin in his hand. चिन में नहीं होता है, ठोडी। अपनी ठोडी को हाथों में टिकाकर। While the camel looked at his own reflection इन द पूल ऑफ वाटर, रिफ्लेक्शन में नहीं होता है बच्चों, परछाई। और ऊँट अपनी परछाई तालाब के पानी में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 दिन का एक्स्ट्रा कार्य दिया जाएगा। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे निकम्मेपन के खाते में जोड़ दिया जाएगा। सैड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपने हाथों में ठोडी को टिका कर सोचता रहा। हम्प शेड द कैमल, नेक्स्ट पेज पे है बच्चों। ऊँट ने कहा हम्प, ऊँट की तो वही आदत है पहले वाली, हम्प बोल रहा है। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं और कुछ नहीं कहूँगा जो मैंने तुम्हें दे दिया। सैड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ओपन, मैंने जो तुम्हें कहा है एक बार कह दिया। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे यह काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सैड, ऊँट ने कहा। हम्प अगेन, दोबारा हम्प शब्द कहा। बट नो सुनर हैड ही सैड, परंतु उसने जल्दी ही कुछ नहीं कहा। इट देन ही सा हिज बैक, उसने अपनी पीठ को देखा। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पर इतना गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप, उसकी पीठ पर उभर रही थी। इन टू ए ग्रेट बिग हम्प, एक बड़े हम्प के रूप में उसकी पीठ उभर आई। डू यू सी दैट, क्या तुम देख रहे हो। सैड द जिन, जिन ने कहा। That is your very own hump. यह तुम्हारी अपनी कुबड़ है। That you have brought upon your very own self by not working. तुम्हारे काम न करने के कारण तुम्हारे शरीर पर ये उभरी है। Today is Thursday. आज बृहस्पतिवार है। And you have done no work. तुमने कोई कार्य नहीं किया है since Monday, सोमवार से। वेहन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हो जाएगा। नाउ यू
आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जा सकते हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, ऊँट ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज़, इसका भी एक उद्देश्य है। शेड द जिन, जिन ने कहा, जिन कौन था बच्चों, रेगिस्तान का देवता। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज थ्री डेज, जो तुमने तीन दिन का कार्य चूक गए थे। यू विल बी एबल टू वर्क, अब तुम काम कर सकोगे। फॉर थ्री डेज विदाउट ईटिंग, तीन दिन बिना खाए पिए। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन यूअर हम्प, तुम अपने इस कुबड़ पर जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू ईवर से, और ये मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कैम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, और उन तीन दिनों का कार्य पूरा करो। बिहेव, वैसा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और ऊँट तीन दिन का कार्य करने चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, ऊँट एक कुबड़ पहने हुए है। वी कॉल इट, जिसको हम हम्प कहते हैं। नोट टू हर्ट फीलिंग्स, उसको दुख पहुंचाने की, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज, परंतु उसने अभी तक भी उन तीन दिन का कार्य की पूर्ति नहीं हुई है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार की शुरुआत की में चूक गया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न, उसने अभी तक नहीं सीखा है हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। अगली व्हाट्सएप वीडियो में आपको इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्न मिलेंगे, वो एक कॉपी में लिखने हैं, और ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है। कल हमें नेक्स्ट लेसन नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर, पाठ पढ़ेंगे। तो पहले भी आप ये पढ़ करके देख लें, ताकि समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।